हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे। एक्चुअली स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं, एक्चुअली हम लोग इंडिकेटर्स देखेंगे कैसे लगाएंगे, तो उससे एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो बहुत जन पूछ रहा था कि सीई का डायनेमिक स्ट्रेटेजी और पीई का डायनेमिक स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में हम लोग दोनों क्या एक साथ लगा सकते हैं। हम लोग जरूर लगा सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रेटेजी में जरूर लगाएंगे और देखेंगे स्ट्रीक में कि कैसे हम लोग लगाते हैं, और उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे इंडिकेटर्स लगा के कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जाए और मिनिमम टू मिनिमम लॉसेस लिया जाए। तो एक चीज पहले बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी जब ऊपर जाता है तो सी भी ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो सी भी नीचे सी नीचे जाता है और पीई ऊपर जाता है। लेकिन अगर हम लोग डायनामिक स्ट्रेटेजी को ऊपर लगाएंगे, डायनामिक स्क्रिप्ट को ऊपर लगाएंगे, तो स्क्रिप्ट अगर ऊपर जाता है कंडीशन तो स्क्रिप्ट में घुसेगा, सी का अगर पीई का स्क्रिप्ट में ऊपर दिखता है जाने के लिए तो वो पी में घुसेगा। हम लोग शॉर्ट सेलिंग में नहीं करेंगे, हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे बैंक निफ्टी इंडिसेस, इसको मैं कर देता हूँ सी ही। तो शायद इसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आप लोग फिर से उसको देख सकते हैं, नहीं तो ये वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं वीकली करंट, और यहाँ पे हम लोग एक ले लेंगे पीई का, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डायनामिक स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का चैनल है ये थोड़ा एडवांस लेवल में स्ट्रीक में है। अगर आपको मीडियम लेवल में चाहिए तो आप एक और चैनल है देख सकते हैं, उसमें बुल्स प्लस बेयर्स ऑफिशियल बोल के। और एकदम अगर एडवांस्ड है तो एक नया चैनल मैं खोला हूँ बुल्स प्लस बेयर्स एल्गो में, वो भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो एकदम बेसिक लेवल में है, तो वहाँ पे मैं रोज ही वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये पीई हो गया है, तो इसको हम लोग कर देंगे 5 मिनट का एक कैंडल कर देंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 10 के ऊपर लेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड है, तो मेरा जिस कैंडल में घुसने वाला हूँ उसका 2 कैंडल पहले अगर कोई कैंडल क्रॉस करते हैं यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को, और उसका नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन रहा और उससे ऊपर रहा तो नेक्स्ट कैंडल में घुस जाएंगे अगर RSI मेरा 55 के ऊपर रहा और VWAP के ऊपर रहा कैंडल। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कि मेरा प्रीवियस एन माइनस टू 5 मिनट का एन माइनस टू अगर मेरा क्रॉसेस अबव करता है किससे, अपर बॉलिंजर बैंड से, अपर बॉलिंजर बैंड जो कि मेरा होना चाहिए माइनस टू, हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन करेंगे कि हमारा RSI जो है माइनस वन में वो मेरा होना चाहिए हायर देन द नंबर 55 जो कि हमेशा हम लोग यूज करते हैं। तीसरा क्या होना चाहिए, मेरा प्रीवियस कैंडल ग्रीन होना चाहिए, तो मेरा प्रीवियस एन माइनस वन 5 मिनट का जो क्लोज वो होना चाहिए हायर देन मेरा प्रीवियस कैंडल का ओपन। तो मेरा इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी गैप, सोचिए गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका गैप डाउन ओपन हो गया, कुछ हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया और थोड़ा सा ये ऊपर जाके क्लोज हुआ गैप डाउन ओपनिंग में, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल आपका जहां पे था प्रीवियस कैंडल आपका गैप डाउन ओपन हुआ और उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ लेकिन एन माइनस टू कैंडल का नीचे ही क्लोज हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस कैंडल का जो मेरा ओपन है वो मेरा हायर होना चाहिए प्रीवियस एन माइनस टू कैंडल का क्लोज से। समझ में आया होगा शायद आपको मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, और एक लगा देंगे हम लोग VWAP, तो मेरा प्रीवियस कैंडल का एन माइनस वन का जो 5 मिनट का मेरा जो रहेगा क्लोजिंग वो मेरा हायर देन होना चाहिए VWAP, हायर देन होना चाहिए मेरा VWAP। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबको डाउट रहता है मैक्सिमम लोगों को, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कंडीशन में हम लोग स्टॉप लॉस को 99% रख रहे हैं। सिंपल सा बात बताता हूं, हम लोग एग्जिट कंडीशन डालने वाले हैं कुछ, तो मैं तभी निकलूंगा जब मैं एग्जिट कंडीशन होगा एग्जीक्यूट, मैं नहीं निकलूंगा चाहे वो मेरा 2% में स्टॉप लॉस में हिट कर जाए या 3% में हिट कर जाए, मैं नहीं निकलूंगा। मेरा एक स्ट्रेटेजी मैं समझ के रखा हूं कि मेरा अगर जो प्रीवियस कैंडल है जो बॉलिंजर बैंड का जो बीच वाला रहता है ना 20 वाला एवरेज, उस 20 वाला एवरेज को कट करके नीचे जाता है मैं तब निकलूंगा, या तो मैं नहीं निकलूंगा।
ये मेरा स्ट्रेटेजी है कि मेरा इसके नीचे जाने से मार्केट नीचे जाता है, तो मैं वही सोच के मैं निकलूंगा। तो उसमें कोई अगर सोच रहा है 99% डाल रहा है तो पूरा ही मेरा चला जा रहा है पैसा, नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। मैं 99% मेरा जाएगा ही नहीं, अगर 99% तभी जाएगा और उसका 5-10% में मेरा फिर ये मेरा एग्जिट कंडीशन ही एग्जिट हो जाएगा। तो मेरा एग्जिट कंडीशन इज द रूलिंग कंडीशन, ठीक है। तो मेरा एग्जिट कंडीशन में डाल रहा हूँ, या तो आप एग्जिट कंडीशन डालें या तो स्टॉप लॉस डालें, कोई एक डालिए। तो मैं एग्जिट कंडीशन डालने वाला हूँ। तो मैं एग्जिट कंडीशन में क्या डालूंगा, मेरा प्रीवियस कैंडल जो है वो मेरा क्रॉसेस बिलो होना चाहिए मेरा 20 मूविंग एवरेज, जो कि मेरा रहेगा -1। इसके साथ मैं क्या करूंगा, और एक डाल देता हूं, मेरा RSI जो है वो मेरा 40 का नीचे होना चाहिए, शुड बी लोअर देन द नंबर 40। ओके, सो डन, हमारा एग्जिट कंडीशन हो चुका है, स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा, मेरा एग्जिट कंडीशन ही काम करेगा। मैं टारगेट प्रॉफिट बना लेता हूँ, 10% प्रॉफिट लेकर निकलना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक महीने में, मेरा हिसाब से एक महीने में, अगर इस चीज में, एक महीने नहीं फिलहाल, अगर 3 महीने हम लोग चलने वाले हैं, 3 महीने में इसमें अगर हम लोगों को 15 से 20 को हम लोग को मिल गया ट्रेड्स जो कि प्रॉफिटेबल है, तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एडवांस्ड में जाके, इसको दिसंबर से कर तो रहा है, पता नहीं लेगा कि नहीं। तो 9 से हम लोग नहीं घुसेंगे, हम लोग 10 बजे घुसेंगे, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने देंगे, और 2-2.5 बजे का बाद, मतलब 2:15 का बाद हम लोग ट्रेड में घुसेंगे ही नहीं। और इसको हम लोग कर देते हैं CNC नॉर्मल, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत समय आपने एक ट्रेड लिया तो वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन वो मार्केट फिर ऊपर जाने लगा, लेकिन आपका अगले दिन वो गैप अप ओपन हुआ, अगले दिन वो ऊपर गया, तो आप MIS में करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो CNC नॉर्मल में इसी में ले रहा हूँ, फिर फॉर्मेट को फिर से डालना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है स्ट्रीक का, कितना था पता नहीं, इसको कर देते हैं यहाँ पे फरवरी तक ले रहा है, इसको फिर मार्च डाल देंगे तो ये हो जाने वाला है। अभी स्ट्रेटेजी को लिख देते हैं, माई न्यू बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी एंड 7 बैक टेस्ट। तो दोस्तों अगर कोई मीडियम लेवल में देखना चाहता है तो और एक चैनल है बुल्स प्लस बेस ऑफिशियल, न्यू है तो बुल्स प्लस बेस एल्गो, और एक रिगी ऐप है जिसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट चैनल है, जस्ट लाइक टेलीग्राम एक अलग ऐप है। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इनफैक्ट 20 सिग्नल्स में 19 विन मिल रहा है, वो भी हम लोग को, ये इनफैक्ट बैक टेस्ट रिजल्ट है 18 फरवरी से 19 मार्च तक, दिस इज एक्सट्रीमली गुड, 70% रिटर्न आ रहा है, जो कि है 79,562 10 लॉट्स में, एक एक लॉट 5,050, दैट्स एक्सट्रीमली गुड। अगर इसको हम लोग डेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं तो क्या होता है देखते हैं एक बार। फिलहाल अगर हम लोग इसको 20 दिसंबर से लेते हैं तो सेव एंड बैकटेस्ट रिजल्ट्स, एक महीने का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, जनरली 1-2 महीने का रिजल्ट अच्छा आता है, तो उसके बाद आपको फिर चेंज करके देखना पड़ता है स्ट्रेटेजी। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग दिसंबर से जाते हैं तो रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल गुड, सो ये देखने वाला चीज है। अगर दिसंबर से जाते हैं तो क्वाइट अ नंबर ऑफ सिग्नल्स, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल गुड सिंस दिसंबर। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इज इट वर्किंग फ्रॉम जनवरी का 20 से अगर काम कर रहा है कि नहीं, एक बार देखते हैं। फिलहाल आपको ये जो स्ट्रेटजीज रहता है ये आपको चार्ट से देख के पता करना है कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जनवरी से भी नहीं काम कर रहा है, तो मेरा हिसाब से ये बजट के बाद ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बजट का पहले ये स्ट्रेटजी ठीक ठाक नहीं काम कर रहा था। अभी फिलहाल इसको हम लोग बजट के बाद कर देते हैं, फरवरी से कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो बजट का बाद देख लेते हैं, मार्केट का ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है जनरली, और उसको हम लोग ऑटोमाइज करते हैं एग्जैक्टली। तो बजट के बाद जनरली मार्केट का जो ट्रेंड रह रहा है वो अगर अपर बॉलिंजर बैंड कट कर रहा है तो वो जनरली प्रॉफिट देते हुए जा रहा है, और सिमिलरली पी का भी अगर अपर बॉलिंजर बैंड कट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट देते जा रहा है। तो ये जनरली बजट हम लोग का जो फरवरी में हुआ उसके बाद का जो
हम लोग का मार्केट का ट्रेंड्स है, अगर वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये हमारा जो स्ट्रेटेजी है ये जनरली अभी फिलहाल काम कर रहा है। ये अगर हम लोग को आते वक्त में अगर कहीं पे हम लोग का लॉस हुआ या समथिंग हुआ तो ये स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल था आप लोग को बताने का कि हाउ टू यूज बॉलिंजर बैंड्स, हाउ टू यूज VWAP, हाउ टू यूज वेरियस इंडिकेटर्स, जिससे हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन बनाए हैं और एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग एक ही इंडिसेस का दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनामिक स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग जरूर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताया कि हाउ टू यूज सीएनसी नॉर्मल एंड MIS, तो ये वीडियो जनरली आपको मैं यही बताने का कोशिश किया, हाउ टू प्ले विथ कैंडल्स, जैसे मेरा कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा वेदर अ कैंडल इज ग्रीन और नॉट, वेदर अ कैंडल इज हायर देन द प्रीवियस N-2। तो यहाँ इस वीडियो से आपको ये वाला चीज का सीख लेना चाहिए कि हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर्स इन स्ट्रीक रेदर देन व्हाट स्ट्रेटजी आई हैव मेड, दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल स्ट्रेटजी आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा मीडियम लेवल में स्ट्रीक के बारे में जानना चाहते हैं तो एक दूसरा चैनल है बुल्स प्लस बेयर्स ऑफिशियल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर स्ट्रीक के बारे में अगर आपको जानना है एकदम बिगिनर्स लेवल से तो उसका भी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, बुल्स प्लस बेयर्स एल्गो बोल के उस चैनल का नाम है। बहुत ही कम पीपल है, आई थिंक अराउंड 20-25 लोग हैं उसमें, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एक प्राइवेट कोई टेलीग्राम चैनल जैसा एक मेरा एक और एक चैनल है जो कि एक टेलीग्राम नहीं है, रिगी है आपका नाम, उसमें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। तो दोस्तों शायद इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किए तो, और इस वीडियो को स्ट्रेटजी हिसाब से मत देखिए, इस वीडियो को देखिए हाउ टू यूज इंडिकेटर्स एंड मेक स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी सबका अलग होता है, आपका भी अलग रहेगा, तो आपका जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे लगाएंगे, ग्रीन कैंडल बनाना है तो कैसे ग्रीन कैंडल चेक करेंगे, प्रीवियस कैंडल ऊपर है या नीचे है उसको कैसे चेक करेंगे, ये सब इस वीडियो से आपको सीख मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।